क्या होता है, बच्चे क्या क्या करते हैं, और मैं आप लोगों को रेड ड्रेस के साथ मेकअप करना भी सिखाऊंगी एंड हेयर स्टाइल भी सिखाऊंगी कि इस ड्रेस के साथ कैसा हेयर स्टाइल अच्छा लगेगा। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर लगाने से क्या होता है, आपकी जो भी डार्क सर्कल्स होते हैं वो सब आपके छुप जाते हैं। सो इसको अप्लाई करने का तरीका ये होता है, आईज़ के अंडर आईज़ लगाएं आपने, जहाँ के हल्के होते हैं, लाइक दिस। अम्मा क्या लग रही है ध्यान? अम्मा चौकड़ लग रही है, प्यारी लग रही है। अब इसको ऐसे आप लें जो है अपनी आईज़ में, आपने ऐसे करना है, ऐसे लगाना है, आईज़ के ऊपर भी लगा लें और आईज के नीचे भी लगा लें, लाइक दिस। मैं तो छोटा हूँ, मैं बना देता हूँ। यस, मैं बड़ी हूँ ना तो मैं लगा सकती हूँ, आप नहीं लगा सकते, आप तो बॉय है ना, गर्ल्स लगाती हैं। इसको ऐसे आपने कवर कर देना है। ये मैंने अच्छे से कवर कर लिए हैं डार्क सर्कल्स को। अब हमें जो है थोड़ा सा पाउडर नीचे रख लेना है, क्योंकि जो भी हम मेकअप करेंगे वो मेकअप गिरेगा नीचे ना, तो हम थोड़ा सा पाउडर नीचे रख लेंगे, फिर उसको लास्ट में साफ कर लेंगे। ऐसे आप पाउडर ले लें, वेलकम पाउडर, और इसको ऐसे बिल्कुल आईज के नीचे आप रख दें, लाइक दिस, लाइक दिस। ये आपने रख दिया, अब आपका जो भी मेकअप गिरेगा वो इसके ऊपर ही गिरेगा, तो आप इसको लास्ट में क्लीन कर देंगे, ठीक है। क्लीन करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। इससे क्या होता है, बहुत आसानी हो जाती है जो बिगनर्स होते हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता और जिनका मेकअप गिरता रहता है, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अब हम क्या लगाएंगे अज़यान? अब हम लगाएंगे आई शेड्स। आई शेड्स लगाएंगे हम, कौन सा वाला? पिंक, ये वाला हम कलर ले लेंगे पिंक, और ये भी ले लेंगे, मिक्स करके हमने ले लिया, ठीक है, ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे इसको, कहाँ लगाएंगे बताओ? वेरी गुड, आईज में लगाएंगे। आईज में हम कैसे लगाएंगे इसको, बिल्कुल पूरी आईलिड में लगा लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अभी ये थोड़ी देर में खुद ही लाइट हो जाएगा।
दोबारा से हमने रेड शेड लिया वही वाला और हम अब दूसरी आइड में लगाएंगे, ठीक है। कैमरे में देख के मैं लाइनर नहीं लगा सकती, मैं आपको मिरर में देख के बता दूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। कैसे ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड करने का तरीका क्या है, बिल्कुल आई के कॉर्नर में आपने ये जो मैंने शेप लिया है ऐसे बस जहाँ मैंने किए ना वहीं पे आपने करना है, रखे ऊपर नहीं जाना है। Thank you.
फाउंडेशन के बाद। बहुत लाइट क्योंकि बहुत डार्क हो जाता है ना, तो वो हार्श लुक आता है। ठीक है, तो हम बहुत लाइट लाइट इसको फिल करेंगे। मैं लिपस्टिक लगाऊंगी रेड कलर की। अच्छा, पहले हमने लिप पेंसिल लगा ली। ठीक है, लिप पेंसिल लगा ली। अब उसके बाद हम थोड़ा सा ये लगाएंगे। अब हम फेस पाउडर लगाएंगे लिप्स पे। इससे ये होता है, ये एक टेक्निक है लिपस्टिक लगाने की। इससे ये होता है कि आप की लिपस्टिक जो है लॉन्ग लास्ट तक लॉन्ग लास्टिंग रहती है। ये वो करती नहीं है आपकी लिपस्टिक ना, आप कुछ भी खा ली पी ले तो ये आपकी लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। मैंने कभी भी एक शेड बिल्कुल नहीं लगाती, मैं हमेशा मिक्स करके लगाती हूँ। ये हमारी लग गई है रेड। ठीक है जी, अब हमारा मेकअप हो गया है कम्प्लीट। अब मैं आऊँगी अपने बालों की जरा। सो आज हम कैसे बाल बनाए जयान, बताइए कैसे बाल बनाए? बन बना लेते हैं। गर्मी बहुत है ना, बन बना लेते। अब हम बालों को ऐसे कर लेंगे। ठीक है, कोम कर लेंगे हम बालों को। पहले इस तरह पोनी बना लेंगे। अब हमने ये बन ले लिया। बन लेने के बाद इसको ऐसे पोनी में आपने इस तरह से लगाना है। पोनी में आपने लगा लिया। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे बालों को फैलाना है। सारे बालों को मैंने फैला दिया अच्छे से। ये देखिए, बाल फैलाने के बाद ये आपने रबर बैंड लेना है। रबर बैंड लेके आपने अपने बालों को ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये हमने लगा दिया वन के अराउंड। अब आपने आपके जो भी बाल बच गए ना उसको ऐसे ट्विस्ट कर दिए। अच्छा, एक सेकेंड वेट। इस तरह से हमने इसको ट्विस्ट करके यू पिंस लगा दिए। होती है यू पिंस हमने बन दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है बन कंप्लीट। एक सेकेंड जरा हम वेट तो करते हैं। ये हो गया हमारा बन कंप्लीट। फिर हम इसको स्प्रे वगैरह करेंगे और फाइनल हो गई। अब हम इसको स्प्रे करेंगे ऐसे। ये हमने इसको स्प्रे कर दिया है। ठीक है जी, अब हम इसको इस तरह कोम से नीट कर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह।